उपचुनाव के माहौल के बीच भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसी विधायकों को उपचुनाव में होने वाले सरकारी खर्चे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे खर्चा वसूलने की मांग की है। इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। 25 विधायक कांग्रेस के जिस प्रकार से 35-35 करोड़ रुपए लेकर और दल बदल करके कमलनाथ जी की सरकार जो वोटों से चुनी गई थी उस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 35-35 करोड़ रुपये लिया गया और नोटों के द्वारा सरकार बनाई गई, उन 25 विधायकों के खिलाफ हमने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। वो माननीय हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। और हमारी उसमें ये मांग है कि ऐसे जो विधायक जो जिनको जनता ने 5 साल के चुना था, वो विधायक के पद पे थे, वो 1.5 साल में अपने पद से इस्तीफा देकर 35-35 करोड़ रुपये लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार गिराई। अब वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो पहले विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दिया तो फिर विधायक क्यों बनना चाहते हैं, हमारा ये प्रश्न है। तो ऐसे विधायकों से जो लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रत्येक सीट पर खर्चा चुनाव आयोग का खर्च हो रहा है, ऐसे सारे कैंडिडेटों से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया है कि इनसे पैसा वसूल किया जाए। ये जनता का पैसा है, और आजकल कोरोना काल में जहाँ सरकार के खजाने खाली पड़े हुए हैं, ऐसे जिस प्रकार के जो भी कैंडिडेट हैं इनसे पैसा वसूला जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो स्वयं के खर्चे पर चुनाव आयोग से चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।